किया मैक्सिमम गलत मतलब सहमत है। क्या होता है बच्चों हमारी मम्मी जो होती है, अच्छा ये बता रहे जो जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको सबको एक साथ जवाब देना है, इस धरती पर कौन लेकर आया? अच्छा ये बताओ इतने टॉप के स्कूल में कौन पढ़ा रहा है झांसी के? अच्छा आपकी यूनिफॉर्म कौन क्लीन करता है? आपका टिफिन किसने पैक किया? ओके और आपको जो जो सूट होते हैं, जो शॉपिंग होती है, आपके कपड़े होते हैं, आपकी मनपसंदीदा जो चीजें होती हैं वो कौन खरीदवाता है? मोबाइल में नेट कौन चार्ज करता है? सब करते हैं कि नहीं? तो मम्मी जैसे सपोज कभी कभी हमारी मम्मी हमसे कहती है कि बेटा ज़्यादा छोटे कपड़े मत पहनो, लड़कों से ज़्यादा बातचीत मत करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, ज़्यादा मुँह फिरो नहीं, झगड़ा मत करो, ये सब बातें कहती है कि नहीं मम्मी लोग? कहने का मतलब जब हमारी मम्मी ऐसा कहती हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारी सुरक्षा हमारी खुशहाली के लिए वो चिंतित रहती हैं, इसलिए वो ये स्थितियाँ हमारे साथ करती हैं। बल्कि इसलिए नहीं कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करती, आप पर वो पूरा ट्रस्ट करती है परंतु इस समाज पर ट्रस्ट नहीं करती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कहती कहती आप जैसे बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने कलकत्ता में भी आपने देखा, ये तो फिर चर्चित है ही आज इस समय का कि कितना गलत हुआ डॉक्टर बच्ची के साथ। वो तो डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, इतनी स्मार्ट, इतनी एक्टिव, उसके साथ भी इतना दर्दनाक हादसा हो गया। फिर आप लोग तो बिल्कुल मासूम बच्ची हैं, है कि नहीं? तो हमारी मम्मी जो कहती है तो सिर्फ इसलिए कि हम एक सुरक्षित जीवन जी सके, हमारे कैरियर पर उसका कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमारी मम्मी कहती है। कहीं ना कहीं हम लोग उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो लगता है कि वो ज़्यादा टूट रही है, हमारे और उनके बीच एक कांच की दीवार खड़ी हो जाती है। तो हमें उस दीवार को बनने नहीं देना है, इनकेस यदि आप लोगों के बीच में बन गई तो उसको तोड़ देना, परंतु कभी भी अपने और मम्मी के बीच में कोई भी दीवार नहीं लाना। हेलो पढ़ाती है ना लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर चलाते हैं ना, तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको एक काम और करना है, ये वाला ऐप हिडन कैमरा डिटेक्टर है ये डाउनलोड करना है। ये ऐप ऐसा है बच्चों जैसे कि हम लोग कभी मॉल में शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, ड्रेस पसंद करते हैं कि नहीं? तो कोशिश कीजिए कि ट्रायल रूम में जाके अपनी ड्रेस को चेंज ना करें, क्योंकि हो सकता है वहाँ की लाइट्स में वहाँ के कहीं पर भी, अभी अभी एक वीडियो था उसमें देखा था डमी रखा हुआ था उसकी आई में कैमरे लगे हुए थे, चेंजिंग रूम में डमी रखा हुआ था तो उसकी आई में दोनों आई के ब्लैक वाली होते ना वो कैमरे के रूप में थे। तो हमें पब्लिक प्लेस पर वॉशरूम यूज नहीं करना है, अगर करना है तो अपने मम्मी या आपके दीदी को साथ में लेकर जाना है, ठीक है? और कोशिश ये करनी है कि अपनी ड्रेस सिर्फ आगे से रखकर ही मिरर में देखे, कपड़े चेंज ना करें, वो सबसे ज्यादा सेफ है। और इन केस यदि आपको चेंज करना पड़ रहा है तो आप मोबाइल में ये हिडन कैमरा डिटेक्टर ऐप डाउनलोड करिए, यदि वहां पर कैमरा होगा तो आपके मोबाइल में एक इंडिकेटर बजेगा, समझी कि नहीं? तो सबसे ज्यादा सबसे पहले अभी ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी दीदी आपकी मम्मी के लिए भी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मोबाइल में एक हिडन कैमरा डिटेक्टर है कोई सा भी डाउनलोड होना चाहिए, जो जो हमें करने की गलती सुनाता नहीं, ठीक है बच्चों? ध्यान रखिएगा। और अभी मैम ने जो अभी आपको बताया आप लोगों को समझ में आया, अभी मैम ने नाखून वाला बताया, एक मैं बता रहा हूँ यदि ये सभी कोई आपको पकड़ लेता है तो आप कंकड़ पत्थर जमीन से धूल मिट्टी कुछ भी उसकी आंखों में डाल सकती हैं, वो तो इतनी वो तो सब जगह मिल जाती है धूल मिट्टी, तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अंधे में नहीं होगा और आपको भागने का मौका मिल जाएगा कि नहीं? तो अब आपको उस
सर आएंगे, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो ये भी है कि हमें भी सुनना है, सुनना हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी जानकारियाँ देते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो रेफर अकेले ही दम पर, तो हमें हम गांधी लक्ष्मीबाई की पुतली पर रहते हैं, रहते कि वीरांगनाएं हैं, हम तो व्यक्ति भी कमजोर नहीं हो सकते। तो अपनी सुरक्षा का दायित्व, तो जब वो पूरे देश की सुरक्षा का दायित्व तो ले सकती है, तो क्या हम सिर्फ अपनी सुरक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर नहीं ले सकते, ले सकते कि नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि सजा किसको मिलेगी जो गलत है, और गलत हो चाहे अंकल की एज की हो चाहे दादा जी की एज की हो, गलत इंसान हमेशा गलत होता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी बुराई, हमें उसकी उसी कमजोरी को अपना हथियार बनाना है और उसका विरोध करना है। क्लियर? अच्छा, किसी को भी गुड टच बैड टच कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन कोई मन में दुविधा नहीं, अब दूसरे टॉपिक पर आए। यदि कोई अगर पर्सन छू रहा है तो ना माइंड तुरंत इंडिकेट करता है समथिंग रॉन्ग, करता है कि नहीं? लेकिन थर्ड बैड टच में हमें इंडिकेटर आसानी से नहीं मिलता। सपोज हम एक इंसिडेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में या कभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, है ना, चाची के यहाँ जाते हैं कि नहीं? आगे कितने लोग जाते हैं? तो अच्छा, आप लोग किससे जाते हैं? ट्रेन से, कार से, ट्रेन से जाते हैं, बसों से जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि ट्रेन और बसों के हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अंकल, भैया, दीदी, आंटी, दादाजी, की वाले लोग बैठे होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी वो अंकल लोग हैं जो हमें कल कर जाते हैं पूछने के लिए, तो वो ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? अरे वाह, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और आपके घर में कौन कौन है? इस तरह से करते जा रहे हैं, तो क्या हमें उनके कंधे देना चाहिए? नहीं ना, आपकी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से हाथ रखते जा रहे हैं, आपके कपड़े छूते जा रहे हैं, आपके बालों पे हाथ फेरते जा रहे हैं, तो क्या हमें उनके गेटच करने देना चाहिए? नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी इंटेंशंस नहीं पता है, इसलिए हमें अपना खुल के विरोध करना चाहिए इनके। यदि वो नहीं मान रहे हैं, बार बार आपको इस तरह से पूछ रहे हैं, बेटा आओ तुम तो बहुत अच्छी हो, अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो, आपके स्कूल का क्या नाम है, ये सब उनकी बातों में नहीं आना है। वो यदि आपको चॉकलेट कुछ भी देते हैं तो वो भी नहीं देना है, लालच में नहीं आना है किसी भी तरह के, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बेनिफिशियर कौन होता है? हम स्वयं होते हैं, उसके बाद फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं। हम स्वयं इसलिए होते हैं क्योंकि हम स्वयं की रक्षा के लिए अगर रेडी ही रहते हैं, अगर रेडी टाइम रहते हैं, है ना? तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देनी होगी। मम्मी पापा हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, हमारी बीवी बहने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हर समय नहीं रह सकते, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमें अपने से लेनी होगी। कभी भी अपने आप को ये मत सोचना है कि हम छोटी बच्ची हैं और वो अंकल बड़े हैं, तो हम उनका विरोध कैसे करें? ठीक है, तो हमें बेझिझक, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो हमें जोर से चिल्लाना है, टीवी को बुलाना है, आप पास जो लोग बैठे हैं उनको बताना है, शोर मचाना है, लेकिन चुपचाप की ये सब चीजें सहना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या होते हैं, कहीं हम तो अपने आप को छोटा समझ लेते हैं कि हम छोटी भी बच्ची हैं, वो हमारे अंकल की उम्र के हैं, वो हमारे दादू की उम्र के हैं, हम उसका कैसे विरोध करें, पर पूछ कर जाते हैं, और हमारा यही संतोष उनको उस अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, अपराध करने के लिए बढ़ाता है। मतलब आज आपके लिए आपके साथ कर रहे हैं, कल आपकी बहन के साथ करेगा, कल आपकी दीदी के साथ करेगा, किसी के साथ भी करता रहेगा, क्यों? मैं कितने दिन हमने नहीं। तो हमें उसको वहीं पर रोक देना है। आप कहीं से भी कमजोर नहीं होती, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है आपने?
आपके लिए डॉक्टर भी आपको सर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके पापा इसको प्यार कर रहे हैं, आप देखिए इसमें, आप देख सकते हैं ये किसी का हमारी लाइफ में होते हैं, तो ये सारे सेफ टच हैं। तो इसे करने की हमें जरूरत नहीं है, बस इसको पहचानना है कि ये होता है हमारा गुड टच, ओके। अब बात करते हैं बैड टच की। बैड टच तीन तरह का होता है। पहला बैड टच ठीक किसी का उल्टा, जब हम कोई गलत काम करते हैं, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई से, दीदी से बात छुपाते हैं, टीचर से बात छुपाते हैं, तो क्या होता है, भाई जब मम्मी प्यार करती है तो मम्मी डांटेगी थी ना हमारे गलत काम करने पर, डांटेगी कि नहीं डांटेगी, कान खींचेगी किसके, खींचती होगी, किसकी 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 मम्मी खींचती है, हमारी मम्मी ने भी खींचा था, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हमारी बॉडी पेन फील करती है, हमारे भाई बहनों में भी एक दूसरे से खुशिंग हो जाती है, दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है, कभी हम दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, हमारे यहाँ खरोंच आ जाती है, ब्लड निकलने लगता है, इंजरी हो जाती है, तो जब हमारी बॉडी पेन फील करती है, हमारे आंसू निकल आते हैं, तो वो होता है हमारा पहला बैड टच। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना।